Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is for each loop in Java. So आपने for loop का नाम तो सुना होगा, but this is different from for loop. For each loop का मतलब और for loop में difference क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ. तो basically हम loops क्यों use करते हैं, for loop, each loop हम क्यों use करते हैं? For iteration purpose, okay? तो मान लो कि मेरा ये एक array है, clear? इसमें values हैं 10, 20, 30, 40 और 0, 1, 2, 3 इसके इंडेक्स हैं और इसका नाम है ए, एरे का नाम है ए. तो बेसिकली अगर मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है तो अगर मैं फॉर लूप यूज करूं तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक तो इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है. तो फॉर लूप में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ पहली दो वैल्यूज को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, बिकॉज आई हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो. सो मैंने यहां पर लिखा से सपोज इंट आई इक्वल टू जीरो, मतलब मैं चाह रही हूं कि आई जीरो से स्टार्ट हो, यानी कि 10 से स्टार्ट हो. तो मेरे पास ऑप्शन है आई इक्वल टू 1 भी कर सकती हूँ मैं. यहां पर मैं इसको आई इक्वल टू 1 भी लिखूंगी तो फिर आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा, ठीक है. और फिर उसके बाद आई लेस देन ये है 3, तो ये कहां तक चले, 3 तक चले. तो मेरी मर्जी है, मैं इसको 3 तक भी चला सकती हूँ, मैं इसको 2 तक भी चला सकती हूँ. अगर मैंने यहां पर लिखा आई लेस देन 2 तो मेरा लूप यहीं तक चलेगा, अगर मैंने लिखा आई लेस देन 1 तो मेरा लूप यहीं तक चलेगा. तो मतलब स्टार्टिंग भी मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, एंडिंग भी मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, ठीक है. फिलहाल मैं यहां पर इसको पूरा ही चला देती हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है. अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या होगा, और मैं यहां पर कर रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ आई, क्लियर. तो क्या होगा, सबसे पहले a ऑफ 0 प्रिंट होगा, देन i प्लस प्लस होगा तो i a ऑफ 1 प्रिंट होगा, देन a ऑफ 2 प्रिंट होगा, एंड देन a ऑफ 3 प्रिंट होगा. फिर i की वैल्यू जब 4 होगी तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है. अब अगर मैं यहां पर लिख दूं i इक्वल टू 1 से लेके यहां i लेस देन 2 तो मेरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, i इक्वल टू 1, सो क्या प्रिंट होगा, a ऑफ 1, तो यानी कि 20 प्रिंट होगा. और फिर i प्लस प्लस होगा तो यानी कि i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा. फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर यहां तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारे पास सिर्फ 20 और 30 प्रिंट होगा. सो आई कैन मैन्युपुलेट माय कलेक्शन, माय एरे इन केस ऑफ फॉर लूप. और दूसरा और क्या हम कर सकते हैं फॉर लूप से, हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, यूजर भी एंटर कर सकता है ये मेरा एरे है और ये 0 1 2 3. अब यूजर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, स्कैन करवा सकते हैं हम यूजर से भी वैल्यूज को. फॉर लूप से हम दोनों काम कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं. और जब हम प्रिंट करें तो हम एक्सेस कर सकते हैं एक एलिमेंट को, छोड़ भी सकते हैं, और हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, यहां पर ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 ऐसे भी कर सकते हैं, तो दो पहले दो वाले ऐड हो जाएंगे. तो हम कुछ भी कर सकते हैं फॉर लूप के साथ, बिकॉज वी हैव इनिशियलाइजेशन, वी हैव कंडीशन एंड वी हैव इंक्रीमेंट. ओके, अब देखते हैं फॉर ईच लूप कैसे डिफरेंट है फॉर लूप से. फॉर लूप में ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, ठीक है. फॉर ईच लूप को हम लिखते तो फॉर ही हैं, ऐसे ही लिखते हैं फॉर, ठीक है. और फिर हम इंट मतलब कि डेटा टाइप और यहां पे कोई वेरिएबल ऐसे कोलन और एरे का नाम होता है, एरे नेम, ठीक है. तो ये क्या है, डेटा टाइप, ये कोई भी एक वेरिएबल, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और फिर एरे का नाम, और आप यहां पर प्रिंट करवा रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ, डायरेक्टली ए ऑफ भी नहीं, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये वेरिएबल की वैल्यू, और फिर ये बंद. तो बेसिकली फॉर ईच लूप क्या करता है, प्रिंट करता है एज इट इज एरे को, दैट्स इट. और कुछ भी काम नहीं कर सकते आप फॉर ईच लूप में, कितना भी बड़ा एरे होगा वो एज इट इज स्टार्ट होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, और तब तक प्रिंट, ये लूप तब तक चलेगा जब तक एरे कलेक्शन खत्म नहीं हो जाती. जितना बड़ा एरे होगा, जितनी उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स फ्रॉम दी स्टार्ट टिल दी एंड वो प्रिंट हो जाएंगे. आप ये नहीं कर सकते कि आपको सेकंड लास्ट एलिमेंट्स तक ही प्रिंट करवाना है या थर्ड लास्ट एलिमेंट तक ही प्रिंट करवाना है, आपको एज इट इज सारे के सारे एरेज को प्रिंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ फॉर ईच लूप. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट करते, आपका लूप चलेगा ही तब तक जब आपका एरे स्टार्ट हो रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एरे खत्म नहीं हो जाता. सो बेसिकली फॉर ईच लूप के अंदर आप सिर्फ प्रिंट करा सकते हो, हैश टेबल है उसमें भी आपका डेटा है, वहां भी ये चलेगा, एरेज में भी आपका ये फॉर ईच लूप चलेगा. इसमें आप यूजर से इनपुट भी नहीं ले सकते हो, आप कुछ मैन्युपुलेशंस भी नहीं कर सकते कि ऐड कर दो आप इन दो नंबर्स को, या आप किसी का एवरेज निकाल लो, कुछ नहीं कर सकते. इट इज जस्ट फॉर प्रिंटिंग,
और प्रिंटिंग भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पहले दो एलिमेंट्स को ही प्रिंट करवाना है, यू हैव टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कब स्टार्ट हुआ था, कौन से वर्जन में है, J2SE50, SE मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन, ओके। देन ट्रेवर्स कर सकते हैं हम सिर्फ इससे, ट्रेवर्स मतलब यू कैन प्रिंट ईच एलिमेंट इन इन योर एरे, मेक्स कोड रीडेबल, ठीक है, आप इजीली रीड कर सकते हो अपने कोड को बिकॉज आप प्रिंटिंग कर रहे हो, एलिमिनेट्स एरर्स। देन इसका ड्रॉबैक क्या है, यू कैन नॉट रिवर्स इन, यू कैन नॉट ट्रेवर्स इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब आप 10, 20, 30, 40 ऐसे प्रिंट कर रहे हो तो यू कैन नॉट प्रिंट 40, 30, 20, 10। देन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू स्किप एनी एलिमेंट, एंड दिस इज द सिंटेक्स फॉर डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, कोलन, एरे नेम, और फिर जो भी आपको इसमें लिखना है वो। सो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल फॉर ईच लूप का। सो ये मैंने क्लास बनाई है, मेन मेथड के अंदर मैं एक एरे ले रही हूँ और एरे मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी दे दी, से सपोज 10, 20, 30, ये एरे इनिशियलाइज कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, तो फॉर ईच लूप लगाया, उसके अंदर क्या वेरिएबल, डेटा नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, से सपोज मैंने के रखा है, कोलन, और एरे का नाम क्या है, ए। अब मुझे प्रिंट करना है से सपोज, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के, ठीक है। अब देखते हैं ये चलता कैसे है। ये आपके एरे एलिमेंट्स हैं, एरे एलिमेंट्स 0, 1, 2, 10, 20, 30, और इंट ए, इंट के आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में के वेरिएबल आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करेगा, पहला एलिमेंट, अब ये इसका काम ही यही है कि एरे की कलेक्शन को एज इट इज प्रिंट कर दो, और स्टार्ट करना है एरे से, और तब तक प्रिंट करते जाओ, ये लूप तब तक चलेगा जब तक एरे में एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, बस ये कुछ स्किप नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो क्या करेगा ये, सबसे पहले एरे, अब ये जैसे ही लूप स्टार्ट होगा, कोई कंडीशन नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इसको पता चल गया ये मेरी कलेक्शन है एरे, तो ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट उठाएगा, उसको वेरिएबल में डाल देगा, यानी कि 10 को डालेगा, और फिर प्रिंट कर देगा के को, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, ये मैं आउटपुट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 प्रिंट होगा। फिर क्या करेगा, ये लूप दोबारा चलाएगा, उसके बाद देखेगा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ए ऑफ वन में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, तो अब ये के अंदर 20 डाल देगा, तो ओवरराइट हो जाएगा 10 की जगह 20, तो के प्रिंट होगा 20, ये फिर से लूप चलेगा, फिर ये देखेगा नेक्स्ट एलिमेंट भी है 30, तो ये फिर से के में क्या डाल देगा, 30, तो अब 30 आ जाएगा के में, और 30 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा चलेगा, फिर देखेगा एरे में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अगर एरे में कुछ पड़ा होता तो फिर के अंदर 40 डल जाता, फिर 50 डल जाता, तो ये स्टार्ट होता है लूप एरे की स्टार्टिंग से, और तब तक चलता रहेगा, तब तक प्रिंटिंग चलती रहेगी जब तक एरे की साइज खत्म नहीं हो जाती। सो इट इज बेसिकली फॉर प्रिंटिंग ईच एन एलिमेंट इन एन एरे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फॉर ईच लूप इन जावा। थैंक यू सो मच एवरीवन।